एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पोहे का चूड़ा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बेहतरीन टी टाइम स्नैक है। पोहे का चूड़ा या पोहे की नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो पोहा, हरी मिर्ची जिसे आप इस तरीके से स्लैंटली काट ले, पिसी हुई शक्कर, कड़ी पत्ता, सेंग, हल्दी और नमक। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक आधी कढ़ाई तेल लेना है। तेल बहुत अच्छी तरीके से गरम करना है। जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए, आप उसमें मुट्ठी भर मुट्ठी पोहा ऐड करते चले जाएं। ध्यान रखें, आपको एक एक मुट्ठी करके पोहा उसमें ऐड करना है। तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाना चाहिए। पोहा उसमें ऐड करने के बाद आपको 1-2 सेकेंड उसमें रखना है, फिर आपको फ़ौरन उसमें निकाल लेना है। इससे आप तेल में पोहे को निकालते चले जाएं और छन्नी में डालते जाएं। छन्नी आप एक ले लें, एक अच्छी बड़ी सी छन्नी ले लें, उसके नीचे एक देगची रख दें ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो देगची में गिरे। तेल का तापमान आपको कुछ इस तरीके से चेक करना है। जैसे ही तेल आप गर्म करने रखें, आप उसमें एक पोहा डाल दें। जैसे ही तेल में से पोहा आपको ऊपर आता हुआ दिखे, आप समझ जाएं कि आपका तेल अच्छी तरीके से खौल चुका है। फिर आप उसमें एक मुट्ठी पोहा डालें और उसे फ्राई करके निकाल लें, फिर दूसरी मुट्ठी डालें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 2-3 मुट्ठी पोहा एक साथ नहीं डालना है। ऐसा करने से तेल का तापमान कम हो जाएगा और हो सकता है कि पोहा ज़्यादा तेल पी ले, इस वजह से अगर तेल का तापमान कम होगा तो, और उससे आपका चूड़ा अच्छा नहीं बनेगा, जो कि आप नहीं चाहते। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें। पोहा 2 किस्म का आता है, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन आपको चूड़े के लिए बड़ा वाला ही लेना है। मेरे पास छोटा वाला था, वही अवेलेबल था, तो मैंने उसी से बना लिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका चूड़ा अच्छा बने, तो आपको वही बड़ा वाला पोहा ही इस्तेमाल करना है चूड़े के लिए। पोहा अच्छी तरीके से फ्राई कर लेने के बाद आप बारी है सेंग की। उसी जिस तेल में आपने पोहा फ्राई करा है, उसी तेल में आपको 1.25 किलो सेंग फ्राई करनी है। सारी सेंग आप एक साथ डाल दें और उसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। लगातार आपको उसे चलाते रहना है। 1 किलो पोहे में आपको 1.25 किलो सेंग चाहिए होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंग का कलर बिल्कुल इस तरीके से बदल जाना चाहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। फिर आप उसे पोहे वाली छन्नी में डाल देंगे। ऐसे ही जिस तरीके से आपने पोहा छाना था, बिल्कुल उस तरीके से आपको सेंग छानी है। सेंग तल लेने के बाद उसी तेल में आपको कड़ी पत्ता तल लेना है अच्छी तरीके से। सारे कड़ी पत्ते आप एक साथ डाल दें और उसके कुरकुरे होने तक तल लें। फिर उसे अच्छी तरीके से छान लें और उसी छन्नी में डाल दें। कड़ी पत्ते के बाद अब बारी है मिर्चों की। मिर्चों के लिए आपको सीधा तेल में नहीं डालना है, वही जाली में जिससे आप छान रहे हैं वही चम्मच में आपको रख लेना है और उसी से ही, ताकि जो है हमें परेशानी ना हो मिर्चों को निकालने में, छानने में बाद में। इस वजह से आप उसी चम्मच में, उसी छन्नी में उसको रख के और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कुरकुरा होने तक, बिल्कुल उसके कलर चेंज हो जाने तक आपको उसे फ्राई कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पोहा, सेंग, कड़ी पत्ता और मिर्चें हमने फ्राई कर ली हैं। छन्नी रखने का फ़ायदा आप देख सकते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा तेल था वो देगची में जमा हो गया है। अब आप उस देगची में से थोड़ा तेल कम कर लें और थोड़ा तेल रखें 2 टेबलस्पून जितना, और उसमें ऐड कर दें हल्दी। 3 टीस्पून आपको उसमें हल्दी ऐड करना है। हल्दी आपको कच्ची नहीं रखना है, तेल में पहले उसे फ्राई करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको उसमें पलटा देना है जो भी 4 चीज़ें हमने फ्राई करी थी, पोहा, सेंग, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें, वो तमाम चीज़ें आपको उसमें पलट लेना है अच्छी तरीके से। आप उसमें मिला दें नमक स्वाद के अनुसार, पिसी हुई शक्कर, हसबे जायका आप उसमें मिला दें। जितना मीठा, जितना चटपटा, जितना आपको करना है वो आप उसमें मिला सकते हैं। आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, ऊपर से आप कुछ जो भी अपने मनपसंद का डालना है आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप काजू, किशमिश सब फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से आप ढक्कन ढक के तमाम चीज़ों का अच्छी तरीके से शेक कर लें। फिर चम्मच की सहायता से अच्छी तरीके से मिलाना है आपको, ताकि हल्दी जो है पोहे में अच्छी तरीके से मिल जाए। काफ़ी लोग चूड़े या नमकीन में हल्दी को ऐसे ही ऊपर से छिड़क देते हैं, उसको पकाते नहीं हैं, जिससे उसका कच्चापन बरकरार रहता है।
लेकिन आपको तेल में हल्दी को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, फिर उसमें पोहा और बाकी चीजों को मिलाना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद आपका पोहा चूड़ा पोहा नमकीन बनकर तैयार है। टाइम स्नैक है तो आप इसे चाय के साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये रेडीमेड से भी ज्यादा अच्छा बनता है, आप इसे जरूर बनाएं। 1 किलो चूड़े में आपको 1 किलो तेल लगेगा और 1.5 किलो सेंग लगेगी, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। 1 किलो पोहे में 2-2.5 किलो कम से कम पोहा नमकीन बन जाता है। आराम से 3-4 महीने तक के आप इसे एक डब्बे में स्टॉक करके रख सकते हैं। अगर आपको ये फ्रेश फ्रेश पोहा नमकीन पसंद आया, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और भी ज्यादा बेहतरीन मजेदार और न्यू रेसिपीज के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। खाइए खिलाइए दुआओं में याद रखिए।